परशुराम सेना पश्चिम बंगाल प्रदेश के तत्वाधान हावड़ा ज्ञानपीठ विद्यालय में माँ भारती के गौरव वीर साहसी व राष्ट्रीय हीरो नेता सुभाष चंद्र बोस की जयंती बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। सर्वप्रथम महासचिव बीएन पाठक, भूपेंद्र नाथ पांडे, राकेश गुप्ता, रविंद्र ठाकुर, पीके पांडे, अरुण दुबे, राजीव, कैलाश उपाध्याय, नंदनी निक्की ज्योति व परशुराम सेना के प्रदेश अध्यक्ष सुनील शुक्ल जी ने नेताजी की मूर्ति पर माल्यार्पण करके नमन कर बताया कि नेताजी राष्ट्र भक्तों के लिए प्रेरणा स्रोत है। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक नामक स्थान पर हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पश्चिमी शक्तियों के विरुद्ध आजाद हिंद फौज का नेतृत्व करने वाले बोस एक भारतीय क्रांतिकारी थे, जिनको ससम्मान से नेताजी भी कहते हैं। बोस जो भी करते आत्मविश्वास के साथ करते थे। नेताजी एक मेधावी छात्र थे। वे चाहते तो उच्च अधिकारी के पद पर आसीन हो सकते थे, परंतु उनकी देशभक्ति की भावना ने उन्हें कुछ अलग करने के लिए प्रेरित किया। बोस जी ने नौकरी से त्याग पत्र दे दिया, क्योंकि नेताजी का कहना था कि मैं लोगों पर नहीं उनके मनों पर राज करना चाहता हूँ, उनका हृदय सम्राट बनना चाहता हूँ। तत्पश्चात बच्चों में शिक्षण सामग्री वितरित करके शिक्षकों का भी सम्मान किया गया।